Hey guys, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another new video. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आई हूँ जो कि है इस बॉक्स में. तो ये जैसे कि आप आउटर पैकेजिंग से पता लगा ही सकते हो, ये है फ्रॉम द ब्रांड प्लम, जिसमें मेरे पास है कुछ अच्छी खुशबू वाली प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करके और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. तो गाइज, मैं बात करने वाली हूँ प्लम के ये मिनिएचर परफ्यूम्स के बारे में जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं. मेरे पास है इनके 4 वेरिएंट्स. तो ये पहला वाला है वनीला वाइब्स, सेकंड वाला है ये जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग इसको रेकमेंड करते हैं तो आज मैं भी इसके बारे में आपको बता देती हूँ. देखते हैं कि ये कैसा है. मैंने इसको ऑलरेडी स्मेल कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तब जाके मैं आप लोगों को जो है इसका रिव्यू दे रही हूँ. तो ये सेकंड वाला जो है वो है हवाईयन रूम्बा. थर्ड है हमारे पास ट्रिपिनमिमोसास और फोर्थ वाला है ऑर्किड्यूनॉट. तो ये 4 वेरिएंट्स में है. और साथ ही एक और चीज़ जो मुझे रिसीव हुई है वो है प्लम बॉडी लविंग का शावर जेल इन द वेरिएंट हवाईयन रूम्बा. तो इसका भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम जैसा ही है, सेम स्मेल करता है ये. तो आइए एक एक करके सारे जो परफ्यूम्स हैं उनको मैं दिखाती हूँ आपको. तो सबसे पहले इसकी अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी वाली पैकेजिंग है और अलग अलग कलर्स में अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग कलर्स में आती है. जैसे कि ये वनीला वाइब्स है जो कि कुछ इस तरह की शेड में है एंड इसको जस्ट आपको इस तरह से निकालना है. और यहाँ पे है परफ्यूम की ये क्यूट सी बॉटल जिसमें आपको जो है परफ्यूम मिल जाएगा. यहाँ से आपको ओपन करना है और यहाँ से बस आप स्प्रे कर सकते हो. इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वनीला जैसी है और आपको कोई वनीला वाली जो आइसक्रीम होती है, वनीला शेक्स होते हैं, उसकी याद दिला देगा ये फ्रेग्रेंस. और स्पेशली क्योंकि अभी समर्स है ना, तो समर्स में तो परफ्यूम इज़ अ मस्ट. एंड अगर आप मेरे जैसे हो जिनको परफ्यूम्स पसंद है तो आप फिर तो कोई भी सीजन में इसको लगा ही सकते हो. तो गाइज, अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है. वनीला जैसा फ्रेग्रेंस होता है वैसा ही है. एंड बेस्ट थिंग मुझे ये लगी ना कि इसको आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है. एक दो बार आपने स्प्रे कर लिया, दैट्स इट. ये पूरे दिन रहने वाला है. इनिशियली हो सकता है आपको ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, जैसे कि मुझे लगा था. जैसे मैंने पहली बार लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था ये, बट देन थोड़ी देर बाद ये सेटल डाउन हो जाता है एंड देन उसके बाद में जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. एंड उसके बाद जो खुशबू आती है ना, यू विल फॉल इन लव विद इट. बहुत अच्छा वाला वनीला वाला ही फ्रेग्रेंस है. बहुत 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 लॉन्ग लास्टिंग है. अगर आपने इसको अपने कपड़ों पे लगा लिया तो ये 2-3 दिन आराम से आपके कपड़ों पे रहने वाले हैं. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. तो ये ईच जो बॉटल है वो आती है 15 ml की और इसका प्राइस है 295. अगर आप इसको और ज़्यादा लॉन्ग स्टे करके रखना चाहते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इसको आप अपने पल्स पॉइंट्स में जैसे कि नेक के यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इन सारी जगहों पे अगर आप यूज़ करते हो, फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी देर तक आपके बॉडी पे रहेगा. और अगर आप मेरे जैसे हो जो कि बॉडी पे लगाना नहीं पसंद करते हो तो आप इसे कपड़ों पे लगा सकते हो और ये कपड़ों पे भी 2-3 दिन आराम से रह जाता है अगर आप कपड़ों को वॉश ना करो तो. सेकेंड वाला है हवाईयन रूम्बा. इसके बारे में आप लोगों ने बहुत क्रिएटर्स को बोलते हुए देखा होगा. बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसके बारे में खूब सारी चर्चा करते हैं, खूब बातें करते हैं. तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग जो है इस तरह के शेड की है एंड देन ये भी सेम इसी तरह के बॉटल में आता है. फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये कोकोनट का फ्रेग्रेंस आपको इसमें बहुत अच्छे से पता चलेगा. कोकोनट का जो एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस होता है, एक बीची वाला फ्रेग्रेंस जो होता है ना, तो ये उस तरह का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट देन ये भी काफ़ी देर तक आपकी जो है बॉडी पे या आपके कपड़ों पे रहने वाला है। अगेन ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 2-3 दिन आराम से रह जाएंगी। अगर आप बॉडी पे लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप नहाओगे तो फ्रेग्रेंस तो जाएगी ही, बट देन अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सेम प्राइस जो है सारे फ्रेग्रेंसेस का एक ही है। इसमें आपको हल्का सा वेनिला का भी ट्विस्ट पता चलेगा। तो ये बहुत ही फ्लोरल सा फ्रूटी सा फ्रेग्रेंस है विथ अगर आप बीच पे चले जाते हो तो जैसी फ्रेशनेस होती है ना वहाँ पे, तो उस तरह का आपको फीलिंग देगा, ये उस तरह की फीलिंग देगा आपको ये फ्रेग्रेंस जो है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं सरप्राइज हूँ कि मुझे सारे ही फ्रेग्रेंसेस इसमें से अच्छे लगे हैं। वनीला भी अच्छा लगा है, ये वाला तो है ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। एंड देन इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस से पहले कभी मैंने इस तरह का कोई फ्रेग्रेंस इस नाम से तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा था, जो कि है ट्रिपिनमिमोसास। मुझे पता भी नहीं है ये क्या है, तो बट देन मैंने जब इसको स्प्रे किया अपने बॉडी पे आई वॉज टोटली सरप्राइज। मुझे पता नहीं था कि मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बहुत ही बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है इसका। ग्रेप फ्रूट का जो फ्रेग्रेंस होता है ये उस तरह का फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी नोट्स हैं इसमें एंड साथ ही जो है थोड़ा सा फ्लोरल भी है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी इसमें मिक्स्ड है। तो वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिट्रसी एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस जो कि बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बहुत माइल्ड है। समर के लिए तो बेस्ट है एकदम। आई जस्ट लव दिस वन। ये सारे फ्रेग्रेंसेस आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। एंड जो फाइनल है ये ऑर्किड यू नॉट, कुछ इस तरह का है ये। तो गाइज ये इसमें आपको ऑर्किड्स वाली जो फ्रेशली ब्लूम्ड ऑर्किड्स जो होती हैं उनका फ्रेग्रेंस आपको मिल जाएगा इसमें, साथ ही थोड़े से अदर फ्लोरल नोट्स भी हैं। तो ये एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, ये भी अच्छा लगा मुझे। बट देन इफ़ यू आस्क मी विच वन इज़ माई फेवरेट, आई वुड से आई डोंट नो वाई, बट सरप्राइजिंगली मुझे ट्रिपिनमिमोसास एंड हवाईयन रूम्बा ये दोनों सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे हैं। तो गाइज अगर शावर जेल की हम बात करें ना, तो इस शावर जेल को अगर आप यूज़ कर लेते हो और अगर ऊपर से आपने ये हवाईयन रूम्बा वाला ही स्प्रे लगा लिया तो फिर तो भाई पूरे दिन आप इतने अच्छे महकने वाले हो। आई एम श्योर कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो। तो मुझे ये अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो कुछ अफोर्डेबल रेंज में स्प्रेस या परफ्यूम्स, तो आप इनको जो है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्या होता है ना कि कई बार हमको मन करता है कि हम अलग अलग फ्रेग्रेंसेस ट्राई करें, बट देन पूरी बॉटल ख़रीदने में फिर बहुत डर लगता है कि कहीं पूरी बॉटल ख़रीद ले, फिर अगर वो पसंद नहीं आए तो हम उसका क्या करेंगे, एंड देन पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आप इस तरह के जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है वो आप यूज़ करके, ट्रायल पैक्स जो होती है वो आप यूज़ करके देख सकते हो। उनमें से जो भी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगे उसका आप पूरा बड़ा वाला जो बॉटल है वो आप ख़रीद सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई परफ्यूम यूज़ करके आपको बताऊं कि वो कैसा लगा मुझे, तो वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उसको जल्द ही ट्राई करके आपको जो है उसका रिव्यू दे दूं। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं एंड मेरे फेवरेट वंस मैंने आपको बता दिए। अगर आपको भी ये खरीदने हैं तो ज़रूर जाके इनकी अपने वेबसाइट पे भी खरीद सकते हो आप। प्लम का अपना वेबसाइट है जहाँ से हो सकता है आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाए, जैसे अभी हाल ही में इनका डिस्काउंट चल रहा था। तो अगर वो डिस्काउंट अब भी चल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई भी डिस्काउंट इस वक्त चल रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और लिंक्स भी हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे कर दीजिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ में। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।